नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर देवानंद प्रजापत, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज मैं आपको एक होम्योपैथी पैटर्न मेडिसिन के बारे में जानकारी देने वाला हूं, तो आप इस वीडियो में अंत तक बने रहिए और ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। जो कि पैटर्न मेडिसिन है बर्बरिस पेंटार्गन, जो कि कुछ इस प्रकार से दिखाई देती है, आप अच्छे से वॉच कर लीजिए। बर्बरिस पेंटार्गन का यूज़ आप किस कंडीशन में आप कर सकते हो? अगर आपको यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ी हुई हो, आपको गठियावाद हो या कैलिकुलाई हो आपको, या स्टोन हो, रीनल स्टोन या ब्लैडर स्टोन या यूरेटर स्टोन, किसी भी प्रकार का स्टोन हो, या आपका यूरिक एसिड लेवल बढ़ा हुआ हो, आपको गठियावाद हो, वाद की समस्या हो, गठियावाद जैसे कि आपके लॉन्ग जॉइंट और स्मॉल जॉइंट, आपके जो बड़े जॉइंट जैसे कि आपका रिस्ट जॉइंट हुआ, आपका एल्बो जॉइंट हुआ, आपका बॉल एंड सॉकेट जॉइंट हुआ, आपके बाद नी जॉइंट हुआ, आपके जो भी बड़े छोटे जो जॉइंट होते हैं, पैर का जॉइंट हुआ जैसे नी जॉइंट हुआ, घुटने वाला जॉइंट हुआ, इसके बाद में आपका हिप जॉइंट हुआ जो कमर वाला हिस्सा रहता है वो, इसके अलावा आपका एंकल जॉइंट हुआ जो पंजे वाला हिस्सा रहता है पैर का, आपका रिस्ट जॉइंट हुआ, इन जॉइंटों में बहुत ज़्यादा दर्द और सूजन होता हो, और इसके अलावा आपको हल्की सी गठान फील होती हो, हाथ बहुत ज़्यादा अकड़ जाते हो, आपके जॉइंट रिस्ट हुआ या आपका एंकल जॉइंट हुआ बहुत ज़्यादा अकड़ जाता हो, तो उस कंडीशन को बोलते हैं गठियावाद। आपको यूरिक एसिड की मात्रा का लेवल अगर 6 से ज़्यादा है तो उसको बढ़ा हुआ बोला जाता है। 6 mg/dL से अगर ज़्यादा है तो आपका यूरिक एसिड लेवल बढ़ा हुआ है, 6 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए आपका यूरिक एसिड लेवल। तो उस कंडीशन में आप इस मेडिसिन का यूज़ करोगे तो आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। इस मेडिसिन में कौन कौन सी दवाइयाँ मिली हुई है? सबसे पहली मेडिसिन इसमें मिली हुई है बर्बरिस वल्गेरिस मदर टिंचर, जो कि स्टोन के लिए बहुत ही कारागार मेडिसिन होती है। आपको अगर रीनल स्टोन है, किडनी स्टोन है, या फिर आपको यूरेटर स्टोन वगैरह है, तो उस कंडीशन में आप बर्बरिस वल्गेरिस मदर टिंचर का भी यूज़ कर सकते हो, साथ में इस पैटेंट दवाई का भी यूज़ कर सकते हो। बर्बरिस वल्गेरिस मदर टिंचर का यूज़ स्टोन में किस प्रकार से करना है? आपको 20 बूंद सुबह, दोपहर, शाम को आधे कप गुनगुने पानी के साथ में लेना है, लगभग 1 मंथ तक कंटिन्यू चलने देना है और आपका जो स्टोन है वो टूट कर बाहर आ जाएगा धीरे धीरे कर। अगली मेडिसिन है इसमें आर्टिका यूरेनस का जो वर्क होता है, जो आपका यूरिक एसिड लेवल बढ़ा हुआ है, बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है और आपको बहुत ज़्यादा जॉइंटों में जकड़न या सूजन या बहुत ज़्यादा आपके हाथ और पैर में दर्द बना रहता है, जैसे ही मौसम चेंज होता है उस कंडीशन में भी बहुत ज़्यादा अकड़ जाते हैं पैर वगैरह, हाथ के जॉइंट या फिर आपके पैर के जॉइंट वगैरह, या आपके एंकल जॉइंट वगैरह हुआ, आपका फिंगर के जॉइंट्स वगैरह हुआ, हल्की सी सूजन आ जाती है, इन जॉइंटों में हल्का सा सूजन आ जाता है, ऐठाना, ये हाथ ऐसा भी नहीं होते हैं, तो उस कंडीशन में आप बर्बरिस पेंटार्गन का यूज़ कर सकते हो और आर्टिका यूरेनस मेडिसिन का मदर टिंचर भी यूज़ कर सकते हो, साथ में इस पेटेंट मेडिसिन का यूज़ भी आप कर सकते हो, उसको भी 20 बूंद सुबह, दोपहर, शाम को आपको आधे कप गुनगुने पानी में लेना है, तो आपका जो यूरिक एसिड लेवल बढ़ा हुआ है तो वो धीरे धीरे करके डाउन हो जाएगा, कम हो जाएगा, और आपको जो गठियावाद की समस्या वो धीरे धीरे करके ख़त्म हो जाएगी। इसके अलावा इसमें लाइकोपोडियम्स मदर टिंचर मिला हुआ है, इसके बाद में लेक्टोस, इसमें सारी मेडिसिनों का मिश्रण है। अच्छा, इसको किस प्रकार से यूज़ करना है, इस मेडिसिन का यूज़ आप किस प्रकार से करोगे, जो कि कुछ इस प्रकार से दिखाई देती है, मैं आपको अच्छे से बता देता हूँ। ये टेबलेट फॉर्म में आती है, कुछ इस प्रकार से दिखाई देती है। इस मेडिसिन का यूज़ आप किस प्रकार से करोगे? आप इसकी 2 गोली सुबह, 2 गोली दोपहर में और 2 गोली शाम को आधे कप गुनगुने पानी से, या फिर डायरेक्टली आप टंग पर ले सकते हो, चूस भी सकते हो। जैसे आपने 2 गोली ली और डायरेक्ट मुँह में डाली और चूस लेना है इसको, और अगर आपको कंफर्टेबल नहीं लगती तो आप पानी के साथ भी ले सकते हो, बहुत ही अच्छा रिजल्ट है इसका। कैलिकुलस रीनल स्टोन हुआ, या फिर आपको ब्लैडर का स्टोन हुआ, या फिर आपको यूरेटर का स्टोन हुआ, इसके अलावा आपका यूरिक एसिड बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, आप काफ़ी समय से ट्रीटमेंट ले रहे हो बट आपका यूरिक एसिड लेवल कम नहीं हो रहा हो, तो उस कंडीशन में आप बर्बरिस पेंटार्गन का यूज़ ज़रूर करिएगा। इसके साथ में आप बर्बरिस वल्गेरिस मदर टिंचर और
अर्टिका यूरेनस मदर टिंचर का भी यूज़ करोगे तो आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। इस मेडिसिन को लगभग लगभग आप अगर आपका यूरिक एसिड लेवल 10 के समथिंग है तो आप लगभग लगभग 2 से 2.5 महीने इस मेडिसिन को कंटिन्यू करिएगा और मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद दोस्तों।